रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। इस तेज रफ्तार से दौड़ती दुनिया के पहिए हैं इंटरनेट। ये इंटरनेट युग का ही कमाल है कि हर कठिन से कठिन काम सुलभ तरीके से कम समय में पूरा हो जाता है। लेकिन मौजूदा समय में हम जिस गति से चल रहे हैं, हमें उससे भी तेज गति से चलने की जरूरत है और ये गति हमको देगी 5G सेवा। जी हाँ, जल्द ही दुनिया भर में 5G सेवा शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि स्मार्टफोन निर्माता से लेकर टेलीकॉम कंपनियों ने इसके लिए कमर कस ली है। 5G सेवा की अगले साल के मध्य तक अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों में टेस्टिंग पूरी हो सकती है। वहीं भारत में भी 5G सेवा 2020 से शुरू हो सकती है। ट्राई के अनुसार भारत में भी अगले साल जुलाई अगस्त तक 5G की तैयारियां पूरी हो जाएंगी और 2020 की दूसरी छमाही में देश के कुछ हिस्सों में 5G सेवा शुरू की जा सकती है। ट्राई के मुताबिक 8644 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए सिफारिश दे दी गई है, जिसका अनुमानित न्यूनतम मूल्य 4.9 लाख करोड़ रुपए होगा। इसमें 5G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम भी शामिल होगा। हालांकि देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने सरकार से अनुरोध किया है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी 2020 तक न की जाए, क्योंकि बेहतर रेडियो वेव्स यानी स्पेक्ट्रम की और जरूरत तभी होगी जब 5G के लिए इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा।